दूसरा ड्रामा जो अभी तक मेरे रेडार पे है वो जीवन नगर है। आई उसके अभी सिर्फ दूसरी किस्त है, मगर जैसे जो सोशल मैसेजिंग वाले ड्रामे हैं वो मुझे ज़रा अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। वो तो कबाड़ का काम बाप करते हैं, तो कहती है मैं करूँगी, होता है पढ़ के कबाड़ का काम करना है, सो व्हाट, मेरा काम है, मैंने करना है। वो सिर्फ कबाड़ का काम नहीं करती, बाप को वो जो है वो राज़ी भी करती है। लड़के आ जाते हैं तो वो उनको जो आए ठरक चाहते हैं वो उन्होंने भी लपड़ लेंदी है, और स्पेशली जब कहती है ना एक लाफा रखूँगी, ओ यार मैं हंस हंस के पागल हूँ। इतना वो कहता है कि तुम्हारी जगह नहीं वापस चल जाओ, तो उसने कहा मैं तो घर वापस चली जाऊँगी, मगर अगर मैं यहाँ अपने मोहल्ले में आपकी हुकूमत में सेफली काम नहीं कर सकती तो मेरे पे नहीं आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुन्नी का जो कैरेक्टर है जो राबिया भट्ट कर रही है, और वो जिम चलाना चाहती हैं और वो छोटा कारोबारी बड़े कारोबारी के जब घर जाती है, वो घर का एक कंस्ट्रक्ट, वही पुराना छोटा घर बड़े मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, फिर दोबारा ग्रीन एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, तो मैंने आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट का जब इंट्रो दिया था तो तब बताया था कि मैं वही ड्रामे देखूंगी। तो दूसरा ड्रामा जो अभी तक मेरे रेडार पे है वो जीवन नगर है। आई उसकी अभी सिर्फ दूसरी किस्त है, मगर जैसे जो सोशल मैसेजिंग वाले ड्रामे हैं वो मुझे ज़रा अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, तो अभी ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है दो वजहों से। एक इस वजह से कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए हैं, चाहे वो कबाड़िए की बेटी है, चाहे वो एक यंग गर्ल जो जिम खोल रही है, या वो ट्रांस कैरेक्टर्स हैं जो आपस में अभी हम देखेंगे कि वो कैसे कन्वर्ज करेंगे, कैसे फ्लिप करेंगे। उससे ज़्यादा वही वाली बात कि दी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इसमें जो है ना, वो पुरानी मोहल्लेदारियाँ, वो सोशियो कल्चरल हमारी कलेक्टिव लिविंग, कम्युनिटी लिविंग की रवायात, खूबसूरतियाँ जो अभी के ड्रामों ने इंडियनाइज होकर खो दी थी, वो दोबारा इसमें आ रही है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट टॉपिक्स है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट से इसमें दो बहनों का जो कबाड़िए की बेटी है उसका किरदार दिखा रहे हैं। एक एफ ए पास है और वो ऑलरेडी कबाड़ में से इंस्टा पे या सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं जो भी डिजिटल फोरम को यूज़ करके बेच रही है उन चीज़ों को बेहतर कीमत में। तो आप ये देखें कि किस तरह वो अपनी एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में टर्न कर रही है, अगेन वेरी गुड मैसेज। फिर वो अब बाप को चोट लगती है, तो उसमें दिखाया गया दूसरी किस्त जब जीवन नगर की आई कि उसमें वो कबाड़ का काम बाप करते हैं, तो कहती है मैं करूँगी, होता है पढ़ के कबाड़ का काम करना है, सो व्हाट, मेरा काम है, मैंने करना है। वो सिर्फ कबाड़ का काम नहीं करती, बाप को वो जो है वो राज़ी भी करती है। लड़के आ जाते हैं तो वो उनको जो आए ठरक चाहते हैं वो उन्होंने भी लपड़ लेंदी है, और स्पेशली जब कहती है ना एक लाफा रखूँगी, ओ यार मैं हंस हंस के पागल हूँ। इतना मुझे मज़ा आया क्योंकि इतने अरसे बाद मैंने लाफे का लफ सुना, और तगड़ी गंदी चल निकल तेरी नो। तो वो जो लाफा रख के उस उन ठरक के चक्कर में उनको निकाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट। वो उस पर भी स्टैंड लेती कि तुम्हें मार पड़ी, तुम गए क्यों नहीं। फिर आप दिखाते हैं कि वो जाकर कबाड़खाने में कबाड़ में बैठी है, काम कर रही है, उसने दुपट्टा यहाँ से लिया हुआ पाता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम जितनी औरतें दिखाते हैं, बच्चियां जो घर से बाहर कर रही हैं, जो ट्रू स्टोरीज या इवेंट में दिखाते हैं, हम उसको दिखाते हैं उसने बहुत या हिजाब लपेटा होगा, बुरका पहना होगा, ये समथिंग क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि हमारी बच्चियां जब घर से बाहर काम करने निकलती हैं तो चूँकि हमारा सोशल नैरेटिव उनको सपोर्ट नहीं करता, तो यही समझा जाता है कि बेपर्दा लड़की जिसका दुपट्टा सर पे ना हो जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो कोई गलत काम करने निकलती है। ये हमारे मीडिया ने इस रिग्रेसिव माइंडसेट को इतना ज़्यादा फैलाया है और इनग्रेन कर दिया है ना कि आप ट्रू स्टोरीज़ को देखें तो जो भी होगी ना उसने कस के जाप पहना होगा या मास्क लगाया होगा और फिर वो काम करी होगी। हमारे इतनी हब्स और गर्मी के मौसम में भी यही होता है, तो वो एक्चुअली सोशल रिलीजियो लेजिटिमाइजेशन देख रहे होते हैं, वो इन नैरेटिव्स की ख्वातीन लेजिटिमाइजेशन भी देख रही होती हैं जहाँ उनको लगता है कि। और तीसरी बात इन एक्चुअल भी है क्योंकि मर्दों की नज़रें जो हैं वो हमारे कपड़े फाड़ के अंदर निकल रही हैं, कहती चल उत्ते तंबू चाड़ लवा मैं, बुरका पहन लूँ, और जो है कुछ तो मुझे इज्जत वाली समझेंगे, कोई मुझे कुछ होगा, कोई मदद मांगूंगी तो इज्जत वाली समझेंगे। ये हमें स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करने की भी ज़रूरत है कि कपड़ों, औरतों के कपड़ों और उनके तर्ज लिबास की वजह से आप उनकी इज्जत ना करें या उनके तहफ़ का ना सोचें। हर औरत को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए और मर्जी का काम करने देना चाहिए, उसकी इज्जत एज इंसान कीजिए। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो वो जब जाती है उसने दुपट्टा बांधा हुआ है, वहाँ लड़का आ रहा है, लड़का आके उसको तंग करने की कोशिश करता है कि बाजी तू पट दी नहीं तो फिर सट्ट इतने तेन सट देना है।
वो जिस तरह उसको धक्का देती है और फिर वहाँ बब्बर शाह आके उसको तो निकाल के ले जाता है, मगर वो डायलॉग बड़े इंपॉर्टेंट है जो वो बब्बर शाह के साथ बोलती है। वो कहता है कि तुम्हारी जगह नहीं वापस चल जाओ, तो उसने कहा मैं तो घर वापस चली जाऊंगी, मगर अगर मैं यहाँ अपने मोहल्ले में आपकी हुकूमत में सेफली काम नहीं कर सकती तो मेरे पे नहीं, आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये वो इस्तारा है जो हुकूमत के लिए, कि हमने कवानीन बना लिए हैं, सारा कुछ है, मगर अगर रियासत पाकिस्तान में जो कहती है कि हम ख्वातीन के हकूक की ज़ामिन हैं, उनके तहफ़ की ज़ामिन है, और वो तहफ़ नहीं दे सकते, तो ये खल्ला पुलिस और हुकूमत पे है, औरतों पे नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से ये मैसेज दिया गया। फिर बब्बर शाह ने इसको जिस तरह हैंडल किया, उसको बुला के, जाहिर है कि उसकी सोशल है, वो नोटेबल, उसकी अहमियत है, वो उसको यूज़ करता है। उसने वहाँ डायलॉग मुझे बड़े, वही रिवायती महल्लेदारी वाले मुझे बहुत अच्छे लगे। उसने कहा खुशी गम और गैरत सांझी होती है, और मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब घर से बाहर निकलो ना तो सामने आती भी नज़र इतनी नीचे हो कि सामने आती भी औरत के दुपट्टे का रंग पता ना चले। किससे देखें कनेक्ट किया है, अगेन ये ऑल्टरनेट नैरेटिव को इंट्रोड्यूस किया है कि हर बार आप औरत के ऊपर एक बोझाना डाल दें। इस्लाम ने मर्दों को भी कहा है कि अपनी नज़र नीची रखो और उन्होंने अपनी नज़र का हिसाब देना है, तो वो नज़र नीची रखना भी घर वालों ने, माँ बाप ने सिखाना है, और जब तक उस नज़र नीची रखने का हिसाब हम अपने लड़कों से नहीं मांगेंगे, हमारी बच्चियाँ गैर महफूज रहेंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत स्ट्रांग मैसेज था। और उसके साथ उन्होंने जिस तरह उसको कम्युनिटी वर्क से लिंक किया कि हम इस हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि जेल में डाल दें, सजा दें, देर इज़ कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन, कम्युनिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, रिहैब मैकेनिज्म है। उसको कहता है तुम एक हफ्ता ये चार गलियां इधर और चार गलियां उधर झाड़ू लगाओगे। दुनिया में भी तो होता है ना, जब जुवेनाइल या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको कम्युनिटी, सर्टन डेज ऑफ कम्युनिटी वर्क लगा देते हैं, तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये इसमें जो दिखाया गया ये मुझे बहुत अच्छा रहा। फिर मोहल्लेदारी में जुड़ा हुआ मुन्नी का जो कैरेक्टर है, जो राबिया भट्ट कर रही हैं, और वो जिम चलाना चाहती हैं, और वो छोटा कारोबारी बड़े कारोबारी के जब घर जाती हैं, वो घर का एक कंस्ट्रक्ट, वही पुराना छोटा घर, बड़े मज़ेदार, जहाँ घरों में आम स्त्री किसने काम ज़्यादा करनी है, गाड़ी किसने चलानी है, रोटी किन्ने पकानी है, इस तरह की जो है वो देवरानी जठानी में चूं चूं टूं टूं लगी होती है। तो वो पूरा जो है ना, वो इट वॉज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि हम वो लड़ाइयाँ झगड़े फसाद नहीं दिखा रहे कि एक नॉर्मल घरों में होता है। और जहाँ पर वो मुन्नी आती है अपने जिम की बात करने, तो दोनों देवरानी जेठानी कैसे एक दूसरे के साथ लग के खड़े हो जाती हैं, अपने मियाँ को भी देख रहे हैं और एक दूसरे को भी काइंड ऑफ यू नो कलेक्टिव सपोर्ट, दिस इज़ अ नॉर्मल वे। हम सिर्फ हर चीज़ को विलन और वैम्प्स बना के ना, और इस टॉक्सिटी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, देर इज़ अ पॉजिटिव एलिमेंट इज़ वेल। जिस तरह मर्दों की ज़ुबानें बाहर निकलती दिखाई गई कि छोटा कारोबारी बड़ा कारोबारी आने टड के जबान चगोंद, और यार पारफीक जब जब मुन्नी उनके घर होती है और कह रही है आपकी बीवियों को मुझ जैसा नजर आना चाहिए, शी नोज वॉट शी इज डूइंग, सो उसका कॉन्फिडेंस और ये दिखाना अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, दैट इन इट सेल्फ वॉज वेरी 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 नाइस। या पारफीक जब उसको योगा करते ऊपर देख रहे हैं और सारे आते जा रहे हैं, खुद वो ताड़ रहे हैं पारफीक, मगर और बंदे आ गए तो बच्चे लड़के आ गए और वो कह रहे हैं तेरे पास से व्यू ज्यादा अच्छा, तो फौरन उसको अपनी मलेदारी का भी ख्याल आता है, वो कहता है इधर जाओ मैं मल्ले भी जवाब देना है। तो वो बहुत अच्छा था, जिस तरह वो कहता है मैं खूबसूरत कैसे हो सकता हूँ, और मुन्नी उसको भी एक शटअप कॉल देती है। सो दैट कॉन्फिडेंट गर्ल्स बी इट एक कबाड़िए की बेटी जो घर के अंदर होती है, या एक मुन्नी है जो उस इलाके के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न है, एंड येट सी इज को एग्जिस्टिंग, बहुत ये मुझे मज़ेदार लगा। और उसके साथ फिर बब्बर शाह वाला, बब्बर शाह का राजा पलस्तर के घर पे जाना, वो एक चूंकि कहानी वो वहाँ से कहानी अनफोल्ड हो रही है, और उस अनफोल्डिंग से हर चीज़ ने आगे से जुड़ना है, तो वो अभी स्लो मोड में जा रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो तहम्मुल का मज़ारा कर रहा है, ठीक है बदमाश है, मगर बदमाशी में ये मतलब नहीं कि बदमाशी के एथिक्स ना हो। तो ये वो पुरानी सी चीज़ें हैं जो हम पुराने नॉवेल्स में पढ़ा करते थे कि बदमाशी के भी एथिक्स होते हैं और उन एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए, और ज़बान की कितनी अहमियत होती है। तो वो बहुत मुझे मज़े का लग रहा है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जहाँ पर बब्बर शाह की वी डोंट नो कि इज़ दिस हिज़ एक्स लाइफ, या वो 11 बजे के वाली की बाद की ज़िंदगी है, जहाँ बब्बर शाह एक ट्रांसफॉर्मर में तब्दील हो जाता है, गुरु है और उसमें सारा कुछ है, बट वो मतलब बब्बर शाह सुहेल अहमद किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो है ही बहुत वर्सटाइल एक्टर, उनकी तो हम तारीफ़ पे तारीफ कर सकते हैं, मगर उसके साथ जो किरदार बिल्ले का है, जो बिल्ला और नीलो के दरमियान में है, ओ माई गॉड, वेन ही इज़ नीलो, वॉट अ नीलो शी इज़,
कि लिपस्टिक का रंग ही मेरे तो सोहना नहीं लगता, सुट दे दफ़ा कर दे। वो अपने गुस्से को किस तरह लिपस्टिक पे निकाल, या जब वो बिल्ला है तो बिल्ला इज़ सो मैस्कुलिन। ये भी एक एक्टर की, यहाँ पर राइटर को फुल मार्क्स हैं इस तरह के किरदार डेवलप करने के लिए, डायरेक्टर को मार्क्स हैं कि किस तरह वो उनको जोड़ रहा है, उनको एडिट कर रहा है कि हमें वो सीमलेस लगे और हम दोनों में फ़र्क भी, और एक्टर्स को की अभी तक की एक्टिंग को तो हमें जितना अप्रिशिएट करें वो हम कम है। राइटर्स ने किरदार बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्ट किए हैं, उनकी किरदारों की कंस्ट्रक्शन का अमल भी अभी जारी है, अनफोल्डिंग का अमल जारी है। तो जिस तरह किरदार निगारी और डायरेक्टर जो काम कर रहा है वो खूबसूरती से नज़र आ रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स की स्ट्रॉन्ग स्टोरीज होती है ना, मुझे उस तरह के लेवल की ये स्टोरी टेलिंग लग रही है। और बब्बर शाह का अकाउंटेंट, ओ माय गॉड, डज नॉट टॉक बट ही इज़ देयर, और वो खामोशी से जिस तरह आगे पीछे कर रहा होता है ना, और जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी देखने से ताल्लुक है। सो आई थिंक ये दो ड्रामे तो मैं देखूँगी, फिर अब बाकी के ड्रामों के बारे में सोचूँगी। और एक ड्रामा मैंने झोंक सियाल जो है, आपको टीजर्स इशू कर दूं, झोंक सियाल की मैंने 7 किस्तें देखी हैं सिर्फ आसिफ रजा मीर के पीछे। 7 में मुझे कोई इतना ख़ास अभी तक मज़ा नहीं आया, मगर 7 का रिव्यू आपको एक आध दिन में मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर दूंगी। और दूसरा जो मैं बहुत देख रही हूँ वो लिमिटेड सीरीज़ गुनाह है, आज उसकी आखिरी किस्त आ रही है तो वो आ जाएगी, तो उस पूरी लिमिटेड सीरीज़ का आपको अलहदा रिव्यू दूंगी। तो 2 टीज़र मैंने आपको बता दिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।